हेलो मनीषा, अपना परिचय दो। सर, माय नेम इज़ मनीषा वैश और मैं दक्षिणा से पढ़ा मैंने, देन IIT दिल्ली और मैं नवोदय से 2020 पास आउट हूँ। नवोदय जीवन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नवोदय एक्सपीरियंस इट्स लाइक कि नेक्स्ट जहाँ भी चले जाओ, बट इससे बेस्ट एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलना है। हाँ, वो दूसरी चीज़ है कि मैं 9th से आई थी, 6th से नहीं आई थी, तो मैं लेटरल एंट्री थी, तो 4 साल ही रहा, बट बेस्ट 4 ईयर्स मैं काउंट करना चाहूँगी। जब आप नवोदय में रह रहे थे तो क्या कोई चीज़ें आपको डाइवर्ट करती थी पढ़ाई से? डाइवर्ट जैसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सब चीज़ का एक इंटरेस्ट है, डांस हो रहा है, स्पोर्ट्स है, सब चीज़ में एक्टिविटी में रहो, फोकस्ड रहो, तो फिर डाइवर्टिंग वाली चीज़ें नहीं है, मतलब फन होगा बट डाइवर्जन नहीं होगा। एक बच्चे ने अभी सवाल किया था कि जो इसमें अदर एक्टिविटीज़ नवोदय में कराए जाते हैं, तो उसका सवाल था कि ये चीज़ें कई बार अच्छी भी लगती है, कई बार पढ़ाई से डाइवर्ट करती हैं, तो उन दोनों में कैसे बैलेंस करती है? जो जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो साथ में होते हैं, तो उसको उस तरह से लेना चाहिए कि पढ़ाई से हमें थोड़ा ब्रेक मिला है, तो वहाँ थोड़ा फन कर लिया, थोड़ा इन्जॉय कर लिया, थोड़ा मूड चेंज कर लिया, ताकि फ्रेशन अप हो जाए, एंड देन अगेन स्टडी के लिए बीच में ब्रेक तो चाहिए होता है, तो वो एक काफ़ी अच्छा ब्रेक होता है कि उसमें आपने इन्जॉय भी कर लिया, एंड देन आप कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। समिति का कहना है कि जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक योगदान के लिए है, तो मानती क्या उसका योगदान रहा? हाँ सर, बिल्कुल रखिए। आप कभी भी नेक्स्ट जहाँ भी जाओ, आफ्टर 12th और आफ्टर 10th, आप जब भी जर्नी से निकलो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टडी के फील्ड में जाना है, वहाँ पे भी अदर एक्टिविटीज़ होंगी, तो अगर कुछ बेसिक्स है तुम्हें है, कुछ तुम्हारे बेसिक्स है स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी एक्टिविटी में हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे व्हाटएवर, तो थोड़ा तुम्हें आइडिया तो रहता है कि हाँ तुमने पहले किया है, तो तुम्हें मालूम रहता है कि करना क्या है, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। करियर का डिसीजन कैसे लिया नवोदय में रहते हुए कि किस फील्ड में जाना है? करियर का डिसीजन तो वैसा है कि बेसिकली छोटे से स्टार्ट है कि मेरे को छोटे से ही था कि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो कोई छोटे में पूछे, भले मुझे मालूम नहीं था कि मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल रहता है, तो मेरा यही होता था कि क्या सब्जेक्ट लेना है, तो मैथ्स लेना है। फिर 9th में JNV आ गई, 9th 10th रहा, फिर 11th में मैथ्स ले लिया, फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ आई कि दक्षिणा का एग्ज़ाम होता है, JEE प्रिपरेशन होती है, नीट वगैरह वगैरह, तो फिर आइडिया मिला कि अच्छा कुछ एग्ज़ाम होता है। फिर पापा ने बताया था कि अगर मैथ्स ले रहे हो तो फिर उस फील्ड में IIT से बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है अगर तुम मैथ्स लेते हो, तो फिर दक्षिणा का पता चला, फिर मैं वहाँ गई, देन JEE एग्ज़ाम दे के फाइनली IIT दिल्ली। तो लाइक वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चलती गई और फिर सब स्कूल से भी पता चलता गया, तो वो होता चला गया। कई बार जब हम ग्रो अप हो रहे होते हैं तो पापा के कुछ अलग सपने होते हैं, हमारे कुछ अलग होते हैं, तो कभी कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ, ऐसा हुआ है। जब 11th में मुझे सब्जेक्ट लेना था, तो मैंने घर में सबसे पूछा था, मम्मी भैया पापा, किसी ने भी बताया नहीं मुझे कि देखो क्या लेना, उन्होंने बोला कि तुझे जो लेना बोले हम कुछ नहीं एडवाइस देंगे, बट देन जब मैंने मैथ्स ले लिया, फिर मैं दिवाली वैकेशन पे घर गई, तब पापा ने बोला था कि अगर तू बायो ले लेती तो अच्छा होता, एक डॉक्टर फील्ड में कोई होता घर पे, देन मैंने पूछा था कि आप मुझे तब बता देते, जब मैंने पूछा था कि सब्जेक्ट क्या लूँ, तो उन्होंने कहा था नहीं, फिर वो हो जाता है कि लाइक हमारी चॉइस हो गई, वो तुम्हारी चॉइस नहीं रहती, इसलिए हमने नहीं बताया, बट अब ठीक है, अब तुम मैथ्स फील्ड में हो तो उसमें अपना बेटर दे देना। दक्षिणा के पढ़ाई के विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसा रहा वहाँ का टीचिंग? दक्षिणा एक मतलब मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स, फिर यहाँ के, एंड देन दक्षिणा के टीचर्स वो टीचर्स नहीं होते हैं, वो कुछ और ही होते हैं, मतलब वहाँ पे हमारा तो 10 महीने का था, तो वहाँ पे ऐसा था कि हमें एक मंथ में एक बार फ़ोन मिलना है, थोड़ी मतलब स्ट्रिक्टनेस थी, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको दुनिया से थोड़ी कनेक्टिविटी कम रखनी चाहिए, तो वो इट्स गुड। तो वही था कि वो बहुत समझाना भी, उनका पढ़ाना, फ्रेंड्स जैसा बिहेवियर, और काफ़ी मतलब सब चीज़ बहुत ही अच्छा था, बैलेंस था, बहुत ज़्यादा बैलेंस था, वहाँ का फूड सिस्टम हो, टाइम टेबल हो, मॉर्निंग PT भी होती थी हमारी वहाँ, वो भी सारा कुछ बैलेंस होता था, और टीचिंग स्टाफ मतलब बहुत ही फ्रेंडली, मतलब अभी भी हमसे वो कनेक्शन में है बहुत कुछ। टाइम टेबल मतलब नवोदय के जैसे ही रहा होगा? हाँ, ऑलमोस्ट PT होनी है, फिर ब्रेकफास्ट होना है, फिर क्लासेस चलेंगी, फर्स्ट सेशन पूरा, फिर लंच, फिर सेकेंड सेशन क्लासेस, फिर डिनर, और फिर आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम। अभी क्या कर रही हो? अभी मैं IIT दिल्ली में हूँ, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री कोर्स है, तो जिसमें कि मेरा फर्स्ट सेम कम्प्लीट हुआ है,
और अभी यहाँ से जाने के बाद मेरे सेकंड सेम स्टार्ट होगा, तो दैट इज़ वो डुअल डिग्री है, तो वो 5 ईयर का कोर्स है। तो इस डिग्री में कैसे रुझान हुआ? केमिकल इंजीनियरिंग एक थोड़ा सा इंटरेस्ट केमिस्ट्री के फील्ड में भी था मेरा, तो फिर जब चॉइस फिलिंग और फिर ब्रांच की आई तो मेरे को ऑप्शंस थे, MNC वगैरह का था केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग और एक दो ऑप्शंस और थे अकॉर्डिंग टू मेरी AIR, बट फिर मेरा थोड़ा था कि मुझे इस फील्ड पे जाना है तो मैंने उसको चूज़ किया। एंड प्लस पॉइंट ये था कि मुझे जो BTEC 2-4 साल में होता है और MTEC 2 साल में होता है, तो ये टोटल 6 साल में होती है तुम्हारी डुअल डिग्री, पर मुझे ये वाली डिग्री 6 की जगह 5 में मिल रही थी, तो फिर मैंने इसका प्रॉफिट लेते हुए मैंने ये ब्रांच चूज़ किया। AIR में कौन सा रैंक रहा आपका? मेरी AIR SC कैटेगरी रैंक थी मेरी 1536। तो ये आप इस रैंक से सेटिस्फाइड थी कि लगा कि और भी बेहतर हो सकता था? नहीं नहीं, हो तो सकता था, अगर थोड़ी और हो जाती तो लाइक अंडर 1000 मे बी, अंडर 1000 नहीं तो अंडर 1200 हो जाता, बट वो 1536 था तो हाँ थोड़ा तो लगा। अभी जिस फील्ड में हैं और आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी से केमिकल इंजीनियरिंग ले तो लिया है, पढ़ भी रहे ठीक है, वेल एंड गुड, बट शायद ही मैं कोर ब्रांच लाइक मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी एक्सपोजर है वहाँ, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब मैं टेक के फील्ड में भी स्विच कर सकती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन है एक जो जिसमें मेरे है इंटरेस्ट, तो मैं उस पर स्विच कर सकती हूँ। मतलब अभी तो जस्ट बिगनिंग है, तो अभी ऑप्शंस तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा पिक नहीं किया है, बट एट लास्ट लाइक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब हो जाएगा कि हाँ इसको ही पिक करना है तो फिर मैं उसको पिक कर लूँगी, बट अभी जस्ट ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं तो कुछ एक को ऐसे लिया नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो बहुत ही डाइवर्स है, एक तरफ आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं, दूसरी तरफ आप ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रही हैं। हाँ, क्योंकि वो है ही वहाँ पे ऐसी चीज़ें कि ये तो मैंने नाम एक लिया है, वहाँ पे बहुत ही सारी वैरायटीज है, अगर वहाँ पे ये है कि आपने अपनी ब्रांच ले ली, आपने एंटर कर लिया, आप अपनी ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आपका कहीं इंटरेस्ट है तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं, वो ये चीज़ है, तो आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। और फिर ऐसा भी है ना कि आप अगर टेक की फील्ड में जा रहे हैं, आप चाहे बैक एंड बने चाहे फ्रंट एंड बने, जो भी आप बनते हैं इंजीनियर है व्हाटएवर, तो आपको अगर है कि आपका नहीं इंटरेस्ट है तो आप जब चाहे स्विच कर सकते हैं, वो आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ है, तो वैसा है जस्ट। जब तक हम नवोदय में थे या दक्षिणा में थे, हम एक दायरे में थे, एक परिस्थितियों में थे ना, जैसे ही हम समाज में जाते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती है, जिसका हम एज ए स्टूडेंट लाइफ सामना नहीं किए होते, तो उस समय क्या चीज़ें अंतर, कैसे उसको फेस करते हैं वो चीज़ें? जब आप हॉस्टल में होते हैं तो पेरेंट्स की तरह आपके टीचर सब चीज़ केयर करते हैं, सारे निर्णय लेते हैं, जैसे हम समाज में जाते हैं तो हर एक निर्णय हमको खुद से लेने होते हैं, तो उस समय आप कैसे डील करते हैं? उस समय अगर उस समय देखा जाए तो वो चीज़ें भी हमें कुछ तरह से नवोदय में ही सीख लेते हैं, जैसे कि अब हम हॉस्टल में हैं तो हमारे साथ जो रह रहे हैं टीचर्स हैं, और एक तरह से बड़ी दुनिया का छोटा रूप हमारी उस बाउंड्री के अंदर है, तो जो चीज़ हमें वहाँ देखनी तो उस चीज़ों का हमने माइनर रूप में यहाँ पे देखा हुआ है, तो वो उतना सफोकेशन नहीं होता है, मतलब हो जाता है। नहीं, कई बार कहते हैं ना कि बच्चे स्पून फीडिंग है तो बाहर जाके कैसे संघर्ष करेंगे। नहीं नहीं, स्पून फीडिंग तब होते हैं जब हम घर पे रह रहे होते हैं और पेरेंट्स हमारे सब कर रहे होते हैं, हम नवोदय में स्पून फीडिंग वाले नहीं होते हैं, यहाँ पे हम खुद ही कर रहे होते हैं हमारी चीज़ें, हमारे कपड़े धुलने से हो, खाना खाने से हो, खाना नहीं खाया तो वो हमारे ऊपर, खाना खाया तो हमारे ऊपर है, टाइम टेबल हमको फॉलो करना है, टीचर्स हैं हमारी देखभाल के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, बट एक तरह से हम स्पून फीडिंग में तो नहीं होते हैं यहाँ पे, तो वो एक छोटी दुनिया ही चल रही होती है हमारे यहाँ पे, जो हम छोटे छोटे रूप में सीख चुके होते हैं, फिर उसको बाहर जाके हमें अप्लाई करना होता है। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपने हॉस्टल लाइफ में सारी चीज़ें सीख ली थी। अब अपने छोटे भाई बहनों को क्या सजेस्ट करोगी जो यहाँ पढ़ रहे होते हैं और अक्सर वो उनको लगता है कि वो एक बंधन में है, उनको आज़ादी चाहिए, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? जैसे बंधन में आज़ादी चाहिए वाला तो थॉट हर किसी का रहता है, उस टाइम पे हमारा भी था, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमारा नहीं था, हमारा भी था, बट ये है कि वो बाहर निकलने के बाद लगता है कि नहीं नहीं वो बंधन ही ज़्यादा बेटर था, मतलब ऐसा था कि बाहर जाके हमें डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती, यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, बट वही है कि एक कनेक्टिविटी होती है तो सारी चीज़ें हो जाती है। और अगर मैसेज कहा जाए तो मैसेज तो यही कि भाई तुम्हारी स्टडीज़ हैं, तुम्हें स्टडीज़ के अलावा कुछ और है नहीं जहाँ पे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है, या सोशल मीडिया है कि तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम मेंटेन रखनी, तुम्हें हमारा फेसबुक मेंटेन करना, ना तुम्हें व्हाट्सअप, ये सब चीज़ों तो
क्योंकि ये चीज़ें दिन का काफ़ी टाइम खा जाती हैं, सो इट ये रियली बहुत टॉक्सिक है। सो स्कूल टाइम पे तो पढ़ना है, पढ़ने के अलावा ब्रेक लिया तो उसमें कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर ली, तो उस चीज़ों को बैलेंस रखना, फिर स्टडीज़ के अलावा और जो ओलंपियाड्स वगैरह हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते रहना है। तो बस जब मैं टाइम में मैं भी अपने टाइम पे एवरेज स्टूडेंट ही थी मैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं अपने क्लास की टॉपर थी, ऐसा नहीं कह सकते। टॉप टेन में हाँ मैं भी कह सकते हैं, टॉप टेन और टॉप फाइव कभी कभी, तो उस टाइम पे तो वो एवरेज ही होता था। बट वो एक हो जाता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, और जब हम उसके लिए हो जाते कि नहीं जो हो जाना यही है, तो फिर वो एक हो जाता है कि नहीं यार पढ़ना है पढ़ना है, तो फिर वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती हैं। बस मेन ये होता है कि फोकस होना है, कंसंट्रेटेड रहना है। बच्चों को ये लगता है ना कि हमको बांध लिया गया है, हम बाहर होते तो ज़्यादा कुछ कर पाते, तो उसमें बच्चे कैसे अपने आप मन को बांधे और पढ़ाई में मन लगाएं? अगर इस तरह से देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ हैं तो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि जब अनलिमिटेड सोर्स होता है तब डाइवर्जन आता है कि या ये करें या वो करें। यहाँ पे हमें पता है हमें ये पढ़ना है, हमारे टीचर्स ने हमें दे दिया स्टडी मटेरियल, हमें वो करना है, और इतना तो बिलीव होता है कि भाई टीचर ने दिया है तो उन्हें पता है कि यहाँ से आना और हमें इतना ही पढ़ना है। वो डाइवर्जन हमें आता है जब हम ट्वेल्थ से निकल गए, जब हमारी जेई प्रिपरेशन है, मतलब वहाँ भी था, बट जब खुद से बारी आती तब प्रॉब्लम जाती है और बंधन वगैरह। हाँ उस टाइम हमें ये थॉट आते थे कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पढ़ने को लेके, क्योंकि उनके पास फ़ोन्स हैं, वो जो चाहें वो लेक्चर देख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए, उनके पास एक सब्जेक्ट के 10 टीचर्स हैं, तो ये पॉइंट आता था। बट डाइवर्जन वहीं आता है जब 10 में से किसकी सुना होता है, यहाँ पे एक है और हमें पता है ये हमें गलत तो नहीं बताएंगे, तो बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।